कुछ देर में इजरायली बंधकों का असली नंबर बताया जाएगा हमास की तरफ से, यानी कितने लोगों को बंधक बना लिया गया है हमास के लड़ाकों की तरफ से, ये बताया जाएगा। हमास का कहना है कि वो कुछ घंटों के भीतर अपने द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की संख्या की घोषणा करने जा रहा है। तो ये हमास की तरफ से वो लिस्ट जारी की जाएगी कि इतने इजरायली बंधक हमारे कब्जे में हैं और उनका नंबर क्या है, कितने इजरायलियों को अब तक हमास ने बंधक बनाया है, ये आंकड़ा थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। बाकायदा हमास की तरफ से इसका ऐलान किया गया। बहुत चिंताजनक और बर्बर तस्वीरें इजराइल से सामने आई थी, किस तरह से वहां पर सैनिकों को, आम लोगों को, सिविलियंस को, महिलाओं को निशाना बनाया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद इन बंधकों का नंबर बताएगा हमास। और कैप्टन शाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैप्टन शाम, ऐसा लग रहा है कि अब इस बात की होड़ मच रही है कि कौन कितनी ज्यादा तबाही किस एरिया में मचा रहा है और किसने किसको कितना ज्यादा बंधक बनाया, अब संख्या जारी की जाएगी इसकी। मेरा ये मानना है कि ये एक पॉकेटेड इशू है, फ्लैश पॉइंट तो रहा है, लेकिन ये 17-18 सालों से सब चुप्पी और एक अच्छे से पीसफुल नेगोशिएशन के साथ ये दोनों कंट्री रह रही थी गाजा स्ट्रिप्स के आसपास में, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, टनल्स बना के, और डिफेंडिंग सिचुएशन में इजराइल आ गया था। तो ये सडन अटैक तो यही कहता है कि ये रॉकेट्स की अटैक से बहुत ज़्यादा नुकसान तो होगा, कोलेट्रल डैमेज तो होगा, पर ये लंबी लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरी बात नहीं सर, लेकिन जिस तरह से होस्टेज बनाया गया है, जिस तरह से बंधक बनाया गया है, हमास के लड़ाके उठाकर ले गए हैं गाजा पट्टी तमाम इजरायलियों को, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? यही मंशा मैं कह रहा था, फिलिस्तीनियों को छुड़ाना है क्या इजरायल की जेलों में बंद? बिल्कुल, तो एक चिंगारी के रूप में पैलेस्टाइन के हमास के लोग, ये चिंगारी के रूप में उन्होंने एक भड़काया है, ये वापस लाया अपने तथ्यों को। हाँ। और ये बंधक बना रहे हैं थोड़े दिनों के बाद, ये मुझे लगता है कि ये देखिए नॉन स्टेट एक्टर को कोई वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करेगा। आप हिजबुल्लाह को ले लो, ये इनको ले लो, जैसे मोहम्मद को लो, अलकायदा को ले लो, ये पहली वाली हालत नहीं तो है। ईरान कर तो रहा है ईरान सर, नहीं मिलने वाला, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। और पैलेस्टाइन और इजराइल की वॉर में मेरे लिए मुझे लगता है कि पैलेस्टाइन को या हमास की, लेकिन आशंकाओं के बादल बहुत ज्यादा है कि ये लंबी खिंच सकती है जंग।